you, Honourable Member. Honourable Minister, for your reply. Yes, please. धन्यवाद आदरणीय उपसभापति जी. मैं सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा. महत्वपूर्ण साथियों ने यहाँ पर अपनी बातें रखी. आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी और एबी भाई रामदास अठावले जी बोल रहे थे. श्री राकेश सिन्हा जी ने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और आरसीपी सिंह जी ने भी मजदूरों के संदर्भ की बातें बताई हैं. पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस गैर हाजिर है, ये कोई नई बात नहीं है. अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 2003 में उस समय के संदर्भ में तय हुआ था कि लेबर की जो एक कमेटी थी उसने संहिता ने ये बताया था कि श्रम कानून जो 44 हैं इनको कम किया जाए, 4 या 5 बनाया जाए. पर 2003-04 के बाद 2014 में ये प्रक्रिया अमल में आई और आदरणीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने चिंता की और इस बात को ध्यान दिया कि भाई ये महत्वपूर्ण सुझाव थे. पर कांग्रेस ने तब भी मजदूरों की चिंता नहीं की. और मुझे ध्यान है कि मजदूरों के संदर्भ में बात करने के लिए एक लंबी चर्चा करनी पड़ती है मजदूर संगठनों से और उद्योगों के स्वामियों से और इसके साथ साथ सभी राज्यों की सरकारों से. इस प्रक्रिया में समय लगता है. तो इस लोकसभा के पहले सत्र में पहला बिल हमने एक पहला कोड ऑन वेजेस पास किया था और बाकी 3 बिल आज यहाँ पर आपके बीच में रखे हुए हैं. तो मैं आज यहाँ पर भाग लेने वाले अपने जो सदस्यों को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें रखी हैं और आग्रह करूंगा कि वास्तव में जो बातें आपने बताई हैं, जो सोच आपने बताए, हम श्रम मंत्रालय इस बात को समझ रहा है और जो हम लोग परिवर्तन लेकर आए हैं वो सबकी समझ में आ रहा है. हमारी सरकार सदैव से श्रमेव जयते के सिद्धांत को मानती है तथा एक श्रमिक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार संकल्पित है. इसी उद्देश्य से हम अपने श्रमिकों को वेतन सुरक्षा, काम करने के वातावरण की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा त्वरित विवाद निस्तारण प्रणाली देने के लिए सदैव प्रयासरत रहे हैं. हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ में ही ये स्वीकार कर लिया था कि जितना महत्व सत्यमेव जयते का है उतना ही महत्व राष्ट्र के विकास के लिए श्रमेव जयते का है. इसलिए हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि अपने श्रमिक को श्रमयोगी बनाते हुए उनके जीवन को सहज बनाने की कोशिश की जाए और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पिछले 6 वर्षों में जो प्रयास किए गए हैं वो हम सबकी जानकारी में है. जैसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को पेंशन देना, महिलाओं को आत्मनिर्भर करने की दिशा के साथ साथ मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, ईपीएफ तथा ईएसआईसी का दायरा बढ़ाना, विभिन्न कल्याणकारी सुविधाओं की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने का प्रयास करना, न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाना, ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं. इसी क्रम में श्रम सुधारों की प्रक्रिया भी 2014 में जो आरंभ की गई है, इसका उद्देश्य ये है कि अनेक श्रम कानूनों को समाहित कर उनमें सरलीकृत रूप से 4 लेबर कोड में परिवर्तित किया जाए. श्रम सुधारों का उद्देश्य यह है कि हम अपने श्रम कानूनों को बदलते कार्य जगत के अनुरूप किया जाए तथा श्रमिकों और उद्योगों की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाते हुए एक प्रभावी और पारदर्शी व्यवस्था दी जाए. सभापति महोदय, स्वतंत्रता के 73 वर्षों की इस यात्रा में आज के नए भारत का वातावरण, तकनीकी दौर, काम करने का तरीका तथा काम के स्वरूप में अत्यधिक परिवर्तन हो गया है. इस परिवर्तन के साथ यदि भारत अपने श्रम कानूनों में अपेक्षित परिवर्तन नहीं करता है तो हम श्रमिकों के कल्याण तथा उद्योगों के विकास
दोनों ही उद्देश्यों में पीछे रह जाएंगे। आत्मनिर्भर श्रमिक के कल्याण और अधिकारों की संरचना चार स्तंभों पर आधारित है। सर्वप्रथम आत्मनिर्भर श्रमिक का पहला स्तंभ यानी वेतन सुरक्षा की बात करें तो स्वतंत्रता के 73 वर्षों के बाद ही और 44 श्रम कानून होने के बावजूद भी भारत के 50 करोड़ श्रमिकों में से लगभग 30% श्रमिकों को ही न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार था तथा सभी श्रमिक को समय पर वेतन नहीं दिया जाता था। इस विसंगति को पहली बार हमारी सरकार ने दूर करने का काम किया है तथा सभी 50 करोड़ संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी और समय पर वेतन मिलने का कानूनी अधिकार दिया है। श्रमिक सुरक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है उसे काम करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण देना जिससे उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सके और वो एक खुशहाल जीवन जी सके। इसके लिए OSH कोड में पहली बार एक निश्चित आयु के ऊपर के श्रमिकों के लिए एनुअल हेल्थ चेकअप का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा से संबंधित स्टैंडर्ड्स को प्रभावी और गतिशील रखने के लिए उन्हें नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ बोर्ड के द्वारा बदलती हुई तकनीक के साथ साथ बदला जा सकेगा। ये बोर्ड एक त्रिपक्षीय संस्था होगी जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार, श्रमिक संगठन, एम्प्लॉयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि होंगे। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे। इस प्रक्रिया में हमारे सुरक्षा स्टैंडर्ड प्रभावी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे। सुरक्षित वातावरण देने के लिए श्रमिक और एम्प्लॉयर साथ मिलकर निर्णय लें, इसके लिए सभी संस्थानों में सेफ्टी कमेटी का प्रावधान किया गया है। वर्तमान श्रम कानूनों में कैंटीन, क्रेच, फर्स्ट एड तथा अन्य कल्याणकारी सुविधाओं के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड दिए गए हैं। अब OSH कोड में हमने इन सभी के लिए यूनिफॉर्म थ्रेशोल्ड देने का कार्य किया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक कल्याणकारी प्रावधानों का लाभ उठा सकें। श्रमिकों की ये समस्या रही है कि वे कई परिस्थितियों में ये सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि वे किस संस्थान के श्रमिक हैं। इस समस्या के निदान के लिए नियुक्ति पत्र का कानूनी अधिकार हर समय श्रमिक को इस कोर्ट के माध्यम से दिया गया है। वर्तमान में किसी श्रमिक को एक वर्ष में न्यूनतम 240 दिन का काम करने के बाद ही हर दिन 20 दिन पर एक दिन की छुट्टी पाने का अधिकार मिलता है। अब OSH कोड में हमने छुट्टी की पात्रता के लिए 240 दिन की न्यूनतम अर्हता को घटाकर 180 दिन कर दिया है। कार्यस्थल पर चोट लगने या मृत्यु हो जाने पर एम्प्लॉयर के ऊपर लगने वाले जुर्माने का कम से कम 50% अन्य लाभों के अतिरिक्त पीड़ित व्यक्ति को देने का प्रावधान कानून में पहली बार किया गया, इससे पहले नहीं मिलता था। इन सभी प्रावधानों के द्वारा श्रमिकों को कार्य करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया गया है। सभापति महोदय, महिलाओं को पुरुषों के समान ही कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी हम बेहतर भारत का निर्माण कर पाएंगे। इसलिए पहली बार हमने ये प्रावधान किया है कि महिलाएं किसी भी प्रकार के संस्थान में अपनी स्वेच्छा के अनुसार रात में भी काम कर सकेंगी, परंतु नियोक्ता को इसके लिए उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक सुरक्षा प्रबंध करने पड़ेंगे। श्रमिकों के लिए तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है व्यापक सामाजिक सुरक्षा। हमारी सरकार का संकल्प है कि हम एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी की प्रणाली की व्यवस्था अपने श्रमिकों के लिए करें। इसी संकल्प के अनुरूप सोशल सिक्योरिटी कोड में ESIC और EPFO के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। ESIC के दायरे को बढ़ाने के लिए ये प्रावधान किया गया है। अब इसकी कवरेज देश के सभी 740 जिलों में होगी। इसके अतिरिक्त ESIC का विकल्प बागान श्रमिक, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक, गिग तथा प्लेटफॉर्म वर्कर्स तथा 10 श्रमिकों से कम श्रमिक वाले संस्थानों के लिए भी होगा। यदि किसी संस्थान में जोखिम कार्य होता है तो उस संस्थान को एक श्रमिक होने पर भी अनिवार्य रूप से ESIC के दायरे में लाया जाएगा। इसी प्रकार EPFO के दायरे को बढ़ाने के लिए वर्तमान कानून में संस्थानों के शेड्यूल को हटा दिया गया है और अब वे सभी संस्थान
जिनमें 20 या उससे अधिक श्रमिक हैं, वे ईपीएफओ के दायरे में आएंगे। इसके अतिरिक्त 20 से अधिक श्रमिक